आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स चैप्टर नंबर फाइव एलिमेंट्री शेप्स का एक टॉपिक लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होती है बच्चे? लाइन सेगमेंट कुछ नहीं है, हम पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट के बीच कोई भी एक लाइन कंस्ट्रक्ट की जाए, ड्रॉ की जाए, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगी, ये एक एंड पॉइंट्स हैं दोनों ए और बी। और लाइन क्या होती थी बच्चे? जिसके एंड पॉइंट नहीं होते थे, मतलब यहाँ कितना भी आप इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो इसको, इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। और अगर मैं इसमें से कुछ पार्ट निकाल के इधर बना दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 सेंटीमीटर इस लाइन से निकाला और यहाँ पर ड्रॉ किया, तो दिस इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है और आपको अच्छे से पता होगी। अब हम सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? यानी कि अगर आपको बोला जाए ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ, लेट सपोज लेंथ आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो उसके लिए आपको चाहिए स्केल, रूलर्स आपके, और एक पेंसिल जो कि आपने बहुत अच्छे से शार्प की हुई है, ठीक है? शार्प पेंसिल से बनाना है, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, आप रूलर को ऐसे रखिए सेंटर ऑफ दी शीट पे, और ज़ीरो से, ये आपका ज़ीरो है, ये 1, 2, 3, 4, 5 आई होप दिख रहा होगा, विजिबल है। तो ये जो है ये सेंटीमीटर्स हैं, तो आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो आप ज़ीरो से स्टार्ट कीजिएगा, बच्चे कई बार 1 से स्टार्ट करते हैं, ये गलती नहीं करना। और स्केल की बिल्कुल स्टार्टिंग जो होती है, जहाँ से स्केल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, वो लेंथ लाइन वहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है, वो सही पॉइंट नहीं होता। जहाँ से ये मार्किंग स्टार्ट हुई है, ये ज़ीरो की मार्किंग आपको दिख रही होगी लाइन, ये जहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ से आपको लाइन बनाना स्टार्ट करना है। और यहाँ से कहाँ तक जाना है, 7 सेंटीमीटर्स तक। अपने आँखों को बिल्कुल इस स्केल के बिल्कुल ऊपर रखना, इस साइड और उस साइड नहीं रखना, क्योंकि कई बार ऐसे जो लाइंस बनी हुई हैं वो इधर उधर दिखती हैं उससे, ठीक है? तो आप 7 सेंटीमीटर तक एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और इसको मार्क करोगे ए एंड बी, कुछ भी आप मार्क कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और ये आपकी है 7 सेंटीमीटर्स की। तो इस तरह से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, बहुत ही ईजी है ये, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आपको ड्रॉ करना है, इस बार लेंथ दी है आपको लेट्स सपोज 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है 8.5, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो 0.5 होता है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि मान लीजिए स्केल है आपका ये 0 एंड दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ऐसे चलता जा रहा है। इसके बीच में आप देखोगे एक डिवीजन होती है, एक थोड़ी लंबी लाइन होती है जिसको ये आपके 10 डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको 10 कर लेना इक्वल पार्ट्स में, ठीक है 10 डिवीजन्स होते हैं। ये जो बीच वाला जो लंबी लाइन होती है, ये आपका 5th है, यानी कि बेसिकली मिड है, 0 और 1 के बीच का 5th डिवीजन है, ठीक है? तो अगर आपको 0.5 मार्क करना है या 1.5 ऐसा कुछ मार्क करना है, तो आप जो नंबर यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल 0.5 मार्क करना है, तो 0 से आगे आपको 0.5 और जाना है, यानी कि 5 डिवीजन और आगे बढ़ना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो आपको मिड वाले में मार्क करना है, ठीक है? ऐसे ही अगर आपको 4.5 मार्क करना है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, आपका स्केल है 0 से, यहाँ पे 1 है, ये 2, 3, 4 एंड 5, तो 4.5 अगर आपको मार्क करना है, तो 4 के बाद आप कितने डिवीजन और आगे जाओगे, छोटी छोटी लाइंस काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो 5th डिवीजन होगा ये आपका होगा 4.5, ठीक है? ऐसे ही 4.3 दिया है, तो 4.3 3 डिवीजन बाद आपको मार्क करना है, क्योंकि टोटल 10 डिवीजन होती हैं, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो 10 डिवीजन मार्क होंगे आपके स्केल में, उसको आपको काउंट करना है। तो बहुत ध्यान से करना, बहुत शार्प पेंसिल से करना। तो लेट सपोज 8.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तो आप क्या करोगे, स्केल यूज़ कीजिए और 0 से स्टार्ट करेंगे एंड 8 तक तो जाना ही है, 8, उसके बाद 0.5 आगे जाना है, तो 0.5, 8 और 9 के बिल्कुल मिड में एक लंबी लाइन मिलेगी आपको, वो 0.5 है, ठीक है? तो 8.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे बम्प आ गया है, तो आप इसको मार्क करो ए बी एंड यहाँ पे लिखो 8.5 सेंटीमीटर। अगर ये लेबलिंग नहीं होगी तो भी आपको आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि लेंथ लिखी होनी चाहिए और इनके पॉइंट्स के, एंड पॉइंट्स के नाम आपको लिखने हैं।